केदारनाथ यात्रा के दौरान ये तीर्थ यात्रियों की जान बचाने की कोशिश हो रही है, जिसमें सफलता मिलती भी दिखाई दे रही है। मंगलवार देर रात बाबा केदार के दर्शन करने के बाद चार तीर्थयात्री रामबाड़ा और लिंचोली के बीच बुरी तरह फंस गए थे। ये सभी तीर्थयात्री दिल्ली से केदारनाथ यात्रा पर आए हुए थे, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में इन सभी पर संकट आ गया। इसके बाद जब ये लोग रास्ता भटक गए और रात भी होने वाली थी, तब इन तीर्थयात्रियों की मदद के लिए SDRF की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद इनको सुरक्षित बचा लिया गया है। दर्शन करके केदारनाथ से वो नीचे आ रहे थे, आते हुए चार लोग मिले, वो शॉर्टकट ले रहे थे, तो उनके साथ हमने भी शॉर्टकट लिया। मतलब नदी के रास्ते होते होते हम नीचे गए और नीचे काफ़ी नीचे चले गए थे हम, और आगे जब पहुँचे हम तो आगे रास्ता ब्लॉक था, फिर वहाँ अंधेरा भी हो गया, बारिश भी हो गई। उसके बाद फिर हमने उत्तराखंड SDRF को फ़ोन किया, वहाँ की टीम आई, 5 आदमी आए थे सर, बहुत बढ़िया थे, उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारे बैग लिए उन्होंने हमारे और हमें ऊपर तक पहुँचाया और यहाँ तक लाए सर। केदारनाथ दर्शन कर लौट रहे ये यात्री जब नदी किनारे फंस गए थे, तो SDRF ने उन्हें वहाँ से निकाल कर लिंचौली तक सुरक्षित पहुँचाया। जब फंसे हुए यात्रियों को SDRF की टीम ने देखा तो वो रास्ता भटक कर नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। उन्हें तब ये भी नहीं पता था कि ये नदी का रास्ता आखिर जाता कहाँ है, लेकिन वह चले जा रहे थे। आपको बता दें कि इसके अलावा भी शॉर्टकट के कारण कई बार यात्री मुश्किल में आए हैं, इसलिए प्रशासन भी यात्रियों से अपील कर रहा है कि वह इस प्रकार के कदम न उठाएं। उत्तराखंड तक के लिए रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंह मौर्य की रिपोर्ट।